हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सुहेल बायोलॉजी क्लासेस, जहाँ पर आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हम ले रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहते हैं। विलियम हार्वे इज़ फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, और हम सबको पता है कि इन्होंने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। तो याद रखिएगा कि विलियम हार्वे ने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहते हैं। जबकि ब्लड ग्रुपिंग की जो खोज थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, इसकी स्टडी हम करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्न चैप्टर्स को लेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन जिसमें हम स्केलेटन और मसल्स पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल नर्वस सिस्टम, केमिकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन और फाइव सेंस ऑर्गन्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। अपने खाने को अपनी मेडिसिन बनाओ, ये हिप्पोक्रेट्स ने कहा था। और इन्हीं वर्ड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बॉडी हैज़ 1 ट्रिलियन सेल्स। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में 1 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए नेसेसरी जो फूड है उसको ऑब्टेन करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और फूड से हमें जो सब्सटेंस मिलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड नीडेड फॉर हेल्दी लाइफ आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट वे होते हैं जो अमाउंट में ज़्यादा हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। याद रखिएगा, ये मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स, इनमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है, रिपेयरिंग एजेंट होते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज, जबकि 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। यानी फैट से मिलने वाली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में डबल से भी ज़्यादा होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जिनकी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, बहुत ही माइन्यूट मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी से हम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, हमें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे मिनरल्स और विटामिन्स। और वाटर को भी कई बुक्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऐड किया गया है। वाटर से हमारी बॉडी को कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, याद रखिएगा, वाटर प्रोवाइड्स 0 कैलोरी। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप, न्यूट्रिशन का 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, और बाकी सभी लिविंग बींग्स को मिलने वाला भोजन का अल्टीमेटली सोर्स जो होता है वो भी ग्रीन प्लांट से मिलने वाला फूड ही होता है। तो वे जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफिल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बना सकता है। तो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं।
ये दो तरह का होता है, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते, एटमॉस्फेयर में 78% बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है, लेकिन पौधों को जो ज़रूरी नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते, तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जिसमें पहला आता है नाइट्राइट बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्राइट आयंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन को नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट करता है, जबकि पौधे नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट आयंस के रूप में चाहिए होती है, और नाइट्राइट आयंस को नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। दूसरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे। ओनली क्लोरोफिल कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी। इसका मतलब पूरे के पूरे लिविंग बींग्स में या एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन बाकी सभी लिविंग बींग्स को भोजन के लिए, खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। अल्टीमेटली हम किसी भी तरीके से खाना जो है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं या हम किसी दूसरे जानवर पर निर्भर होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें लिविंग बींग खाना स्वयं नहीं बना पाते, अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो फूड के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। ये एक निम्न टाइप का हो सकता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस उन्हें कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, रैबिट एक्सेट्रा। कार्निवोर्स वो जो अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं, प्लांट से नहीं लेते। इनकी निम्न कैटेगरी हो सकती है, प्रेडेटर्स जो शिकार करते हैं। पिसीवोरस जो फिश को अपना भोजन बनाते हैं। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फ्रॉग। लार्वीवोरस जो लार्वा को खाते हैं। याद रखिएगा कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए गैम्बूसिया फिश को छोड़ा जाता है पानी में, और वो पानी में मलेरिया के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। तो ये लार्वीवोरस फिश है, गैम्बूसिया। कैप्रोफेगस उन्हें कहते हैं जो एनिमल फीसिस खाते हैं, एक्सक्रीटा खाते हैं, जैसे पिग्स। सैंग्विवोरस ब्लड सकर्स को कहते हैं, जैसे फीमेल एनाफ्लीज। आपको पता है कि मेल जो मच्छर होता है, मेल मॉस्किटो, उसमें मैंडिबल नामक जो वो होता है, मैंडिबल नामक अपेंडेजेस नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ फूलों का रस, फ्लावर सैप पे ही अपना गुजारा करते हैं। जबकि फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ब्लड सक करती है। कैनिबल्स, कैनिबल्स उन्हें कहते हैं जो अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर्स को खा जाते हैं, जैसे टैरेंटुला, एक स्पाइडर है जिसे ब्लैक विडो भी कहते हैं। और तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिक का, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं जो सब कुछ खा सकते हैं, प्लांट्स भी, वेजिटेबल्स भी, और दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो मैन, ओमनीवोरस का एग्जाम्पल हुआ मैन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीन टाइप्स हुए मेनली, हर्बीवोर्स जो वेजिटेबल और प्लांट से अपना फूड लेते हैं, कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल से अपना फूड लेते हैं, प्लांट से नहीं एनिमल सोर्स से फूड लेते हैं, और ओमनीवोरस जो सब कुछ खा सकते हैं। मोड ऑफ फीडिंग। मोड ऑफ फीडिंग के आधार पर निम्न टाइप के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें ओनली सॉलिड फूड इज टेकन। सैप्रोबायोटिक्स, सैप्रोबायोटिक्स को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, सैप्रोजोइक और सैप्रोफिटिक। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें डेड एनिमल से फूड की सप्लाई ली जाती है, और सैप्रोफिटिक फ्रॉम डेड प्लांट्स। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स दूसरे जीवों से तो फूड लेता है, लेकिन सैप्रोबायोटिक्स और पैरासाइट्स में अंतर यह है कि सैप्रोबायोटिक्स डेड एनिमल या डेड प्लांट से फूड लेते हैं, जबकि पैरासाइट्स लिविंग बॉडी से फूड लेते हैं और उनको उनका होस्ट कहते हैं।
पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट जो शरीर के बाहर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मानव शरीर के बाहर आपको खटमल मिल जाएंगे, आपको जुएं मिल जाएंगी, तो ये जो हैं ये एक्टो पैरासाइट के एग्जांपल्स हैं। और एंडो पैरासाइट वो पैरासाइट्स जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब भी हम भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं, तो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स, जिस भी रूप में हम फूड पार्टिकल लेते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या शॉर्ट में GIT कहते हैं, ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म होती है। और एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा टीथ, टंग, टॉन्सिल्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। स्टडी ऑफ GIT, स्टडी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। और स्टडी ऑफ रेक्टम और एनस, इट इज़ कॉल्ड प्रोक्टोलॉजी। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसकी मदद से आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। ये माउथ से शुरू होता है, फिर जो मुँह की कैविटी है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं, पीछे की साइड ये फेरिंग्स में खुलता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम को मिलाकर स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत। उसके बाद ये सीकम में जाता है, सीकम से कोलन में। कोलन के ये तीन पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, और उसके बाद सिग्मॉइड कोलन। तो सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन, इनको मिलाकर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहा जाता है। और लास्ट में डाइजेशन के बाद फूड आ जाता है रेक्टम में और स्टूल के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है, और एनस से हम उसको बाहर एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होता है। और यदि पैसेज ऑफ फूड की बात करें तो माउथ, माउथ से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम एंड देन एनस। पैसेज ऑफ फूड, अभी हम बात कर चुके हैं माउथ, बक्कल कैविटी जिसे ओरल कैविटी कहते हैं, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के चार पार्ट हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन एंड फाइनली रेक्टम और एनस। स्टेप्स इन डाइजेशन, अब डाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला इंजेशन, जो हम भोजन को मुंह में लेते हैं, हम भोजन का इंटेक करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, तो इंटेक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद हम उसको ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं मुंह में, और फिर उसको हम स्वलो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्वलो इज़ कॉल्ड डिग्लूटिशन। उसके बाद पेरिस्टेल्सिस के द्वारा खाना आगे बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। बड़े बड़े जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उन्हें छोटे छोटे मोनोमर्स में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में और वहाँ पर एसिमिलेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेस्पेक्टिवली एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। और जो शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को फीसिस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, और पासिंग ऑफ फीसिस, इस प्रोसेस को कहा जाता है डेफिकेशन। तो इस तरीके से डाइजेशन में स्टेप्स हुए, इंजेशन, डिग्लूटिशन, कंडक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। वॉल ऑफ गट, हम बहुत ही डिटेल में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेंगे, तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। और चैप्टर के लास्ट में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। वॉल ऑफ गट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की जो गट होती है
उसका पूरे के पूरे GIT में स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें चार लेयर्स होती हैं। हम माउथ से लेके यदि हम एनस तक की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जिसमें चार लेयर्स होती हैं जिन्हें ट्यूनिक्स कहते हैं। इंटेस्टाइनल लेयर्स को या गट की लेयर्स को ट्यूनिक्स कहते हैं, और इनसाइड टू आउटसाइड अंदर से बाहर की तरफ ये होती हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर है, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। सिरोसा सबसे बाहर की लेयर है। तो म्यूकोसा, म्यूकोसा इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है ईसोफेगस और एनस में, लेकिन सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम होती है बाकी GIT में। याद रखिएगा, म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर है GIT की, और ईसोफेगस और एनस में ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम के फॉर्म में होती है, लेकिन बाकी पूरी जगह स्टमक में, ड्यूडनम में, जेजुनम में, इलियम में, कोलन में, ये सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम के फॉर्म में होती है। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा। याद रखिएगा, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकोसा में होती हैं, और ये कॉल्यूमनर एपिथीलियम का मॉडिफिकेशन होती हैं। अभी जो नीट हुआ है 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड, तो गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम। सेकेंड लेयर है सब म्यूकोसा, ये थिक लेयर होती है और इसमें पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स पाई जाती हैं। तीसरी लेयर होती है मस्कुलरिस, इसमें दो लेयर होती हैं। याद रखिएगा, बाहर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और अंदर की तरफ होती है सर्कुलर मसल लेयर। बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल लेयर। देयर अल्टरनेट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलरिस में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स हैं, उनके अल्टरनेट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से फूड आगे की तरफ बढ़ता है, और इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। तो याद रखिएगा कि फूड को इंटेस्टाइन में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को या जो मूवमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है पेरिस्टेल्सिस। सिरोसा, सिरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ GIT। GIT ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। दीज आर फॉर्म ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भी GIT के ग्लैंड्स बनते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनते हैं। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ GIT। याद रखिएगा, पूरी की पूरी GIT में ऑलमोस्ट यही चार लेयर होती हैं। अंदर की बात करें तो सबसे अंदर होती है म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद दो लेयर्स होती हैं जिसे हम मस्कुलरिस कहते हैं, अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है सिरोसा। तो पूरी की पूरी GIT में ये चार लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस जिसमें दो लेयर होती हैं, अंदर सर्कुलर, बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और सबसे बाहर सिरोसा। याद रखिए, GIT का स्टमक अकेला ऐसा पार्ट है जिसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे ऑब्लीक मसल लेयर कहा जाता है। पूरी की पूरी GIT में ऑब्लीक मसल लेयर सिर्फ और सिर्फ स्टमक में मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती। अबोरल डायरेक्शन, अबोरल डायरेक्शन कहा जाता है माउथ टू एनस, यानी जो पेरिस्टेल्सिस होती है वो अबोरल डायरेक्शन में होती है, माउथ से दूर और टूवर्ड्स एनस होती है। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की नर्व सप्लाई। इसमें डुअल सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, दोनों तरह की सप्लाई इसमें मिलती है। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है GIT की, वो वेगस नर्व से और पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व से होती है। तो वेगस नर्व फ्रॉम ईसोफेगस टू ट्रांसवर्स कोलन, ईसोफेगस से लेकर ट्रांसवर्स कोलन तक की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस नर्व से होती है, जबकि कोलन के आगे रेक्टम तक ये पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व से होती है। और याद रखिएगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब स्टिमुलेट होती है या वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो GIT की टोन बढ़ जाती है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जो है उसकी गति बढ़ जाती है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये सभी होता है एसिटाइल कोलिन की वजह से। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, वो होता है एसिटाइल कोलिन। तो मेजरली आपको याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वेगस से और पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व से, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होने पर GIT की टोन बढ़ जाती है,
पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स बढ़ जाते हैं, सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस जैसे सलाइवा या स्टमक जूसेस या पेनक्रियाटिक जूसेस बढ़ जाते हैं, और पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम करता है एसिटाइल कोलिन की मदद से, यानी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम इज एसिटाइल कोलिन। एट्रोपीन, याद रखिए, पैरासिम्पेथेटिक अफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है। एट्रोपीन नामक जो ड्रग है वो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के जो भी अफेक्ट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। सिंपैथेटिक सप्लाई, दूसरी सप्लाई होती है सिंपैथेटिक सप्लाई, जो कि दो प्लेक्सस की मदद से होती है। पहले का नाम है ऑर्बैक्स प्लेक्सस, जिसे मायेंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच में होता है। आपने देखा कि जीआईटी में ये चार लेयर्स होती हैं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल्स अंदर की तरफ होती हैं जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बाहर की तरफ होती हैं। इन दोनों मसल लेयर के बीच में आपको एक प्लेक्सस मिलता है, नर्व्स का गुच्छा मिलता है, जिसे ऑर्बैक्स प्लेक्सस या मायेंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। और सब म्यूकोसा में एक प्लेक्सस मिलता है जिसे हम मीजनर्स प्लेक्सस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजनर्स प्लेक्सस कहाँ मिलता है, सब म्यूकोसा में, और ऑर्बैक्स प्लेक्सस को मायेंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं, और ये मिलता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में। सिंपैथेटिक सप्लाई में क्या होगा, यदि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो सारे अफेक्ट जो पैरासिंपैथेटिक के थे उसका अपोजिट एक्शन आपको मिलेगा। नाउ फाइनली वी कम टू द टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। तो सबसे पहला आता है माउथ, और माउथ कहाँ खुलता है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी को बक्को फेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आगे की तरफ बक्कल यानी माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, और पीछे ये खुलती है फेरिंग्स में यानी फेरेंजियल कैविटी में, इसलिए इसे बक्को फेरेंजियल कैविटी कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बक्को फेरेंजियल कैविटी। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। लिप्स हमारे, जब हम फूड लेते हैं तो लिप्स से लेते हैं, और ये माउथ ओपनिंग है, और जब लिप्स खुलते हैं तो जो अंदर का ये चैम्बर है इसको कहा जाता है बक्को फेरेंजियल कैविटी, क्योंकि आगे का ये जो पार्ट है ये पार्ट है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, और पीछे ये पार्ट है फेरिंग्स का, जिसे फेरेंजियल कैविटी कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है बक्को फेरेंजियल कैविटी। यानी बक्को फेरेंजियल कैविटी मीन्स बक्कल कैविटी प्लस फेरेंजियल कैविटी। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यदि गौर से अपने मुँह के अंदर अंगूठा डालें और ऊपर की तरफ टच करें तो आगे की जो सरफेस है, ऊपर की जो रूफ़ है, वो हार्ड होती है जिसे हार्ड पैलेट कहते हैं, जबकि पीछे की सरफेस सॉफ्ट होती है जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो बक्कल कैविटी या बक्को फेरेंजियल कैविटी की जो सुपीरियर सरफेस है, अपर सरफेस है, वो हार्ड पैलेट आगे की ओर और सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर होता है, जबकि फ्लोर पर क्या होती है, टंग होती है, और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, फेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी की यदि आपसे लिमिट्स कोई पूछे या उसकी सीमाएं पूछे तो फ्रंट में लिप्स, पोस्टीरियर साइड में फेरिंग्स, अपर साइड या रूफ में हार्ड पैलेट आगे की ओर और सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर, और फ्लोर बनता है टंग से। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से ये बताने की कोशिश करी है कि ये मुँह है हमारा, ओरल कैविटी है, पीछे फेरिंग्स है, आगे लिप्स हैं, और ये खुलता है किस में, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस आगे जाके खुलती है स्टमक में। ये हमारा हार्ड पैलेट है आगे की ओर, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये गम्स हैं हमारे मसूड़े, और ये हमारे टीथ हैं। तो गम्स और लिप्स के बीच में, गम्स और लिप्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। याद रखिएगा, गम्स और लिप्स के बीच के स्पेस को वेस्टिब्यूल कहते हैं, और प्रॉपर ओरल कैविटी जो होती है वो गम्स के बाद अंदर शुरू होती है, क्योंकि जो भी हम च्यू करते हैं, खाना चबाते हैं, जिसे हम प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं, वो इस एरिया में, वेस्टिब्यूल में नहीं होता, वो कहाँ होता है, अंदर होता है। तो प्रॉपर बक्कल कैविटी या प्रॉपर ओरल कैविटी गम्स से शुरू होती है, जबकि लिप्स और गम्स के बीच के स्पेस को वेस्टिब्यूल कहते हैं। माउथ ओपन्स इनटू अ चैम्बर नोन एज बक्को फेरेंजियल कैविटी। इसका एंटीरियर पार्ट बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट फेरेंजियल कैविटी है। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के फ्रंट में होते हैं लिप्स, बैक साइड में होता है फेरिंग्स,
ऊपर होता है पैलेट जो कि आगे की ओर हार्ड पैलेट, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट, बिलो यानी फ्लोर बनता है टंग से और दोनों साइड्स में चीक्स होते हैं। गम्स को, मसूड़ों को जिंजिवा भी कहते हैं और दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम लिप्स एंड चीक्स बाय अ नैरो स्पेस, अभी हमने बात की, और इस स्पेस को कहते हैं वेस्टिब्यूल। होल बक्कल कैविटी इज लाइन बाय नॉन सीलिएटेड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। पूरी की पूरी बक्कल कैविटी के अंदर जो म्यूकोसा होती है वो होती है नॉन सीलिएटेड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। याद रखिएगा एपिथीलियम इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओरल कैविटी जो होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टोमोडियम के इक्वलेंट होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ओरल कैविटी आर प्रेजेंट इन लैमिना प्रोप्रिया। याद रखिएगा जो ओरल कैविटी के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो लैमिना प्रोप्रिया में पाए जाते हैं। लिप्स, लिप्स को लेबिया भी कहा जाता है। इस डायग्राम से हमने बताया है ये है हमारा अपर लिप, ये लोअर लिप, और ये जो एक ग्रूव है जो नोज से लिप्स के अपर भाग तक आती है इसको कहते हैं फिल्ट्रम। तो लिप्स आर मस्कुलर फोल्ड्स, एक्सटर्नली इन पर स्किन होती है और अंदर की तरफ इन पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अ मिडलाइन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन वेस्टिब्यूल कनेक्ट्स द लिप्स टू गम्स, इट इज़ कॉल्ड लेबियल फ्रेनुलम। याद रखिए लिप्स वेस्टिब्यूल में जो अंदर की ओर स्पेस है उसमें एक म्यूकस का फोल्ड कनेक्ट करता है किसको, लिप्स को गम्स से, जिसे लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं। अपर सरफेस ऑफ अपर लिप हैज अ शैलो मीडियन ग्रूव जिसे फिल्ट्रम कहा जाता है। चीक्स, चीक्स आर मेड बाय मसल्स बक्सिनेटर। याद रखिएगा हमारे जो चीक्स में जो मसल है उसका नाम होता है बक्सिनेटर। फैट ऑफ चीक को बक्कल पैड ऑफ फैट कहते हैं। बोथ लिप्स एंड चीक्स हेल्प इन मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन कहते हैं खाना, भोजन को चबाने को, जो हम दांतों की मदद से भोजन को चबाते हैं उस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहा जाता है। और बोथ लिप्स एंड चीक्स हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड हेल्प इन स्पीच। यदि हम रैबिट की बात करें तो रैबिट के जो अपर लिप है वो उसमें एक फरो होती है, ग्रूव होती है जो नोज तक जाती है, जिसे हम वर्टिकल मीडियन क्लेफ्ट अप टू द नोज जो होती है उसे हेयर लिप कहते हैं, और ये निबलिंग ऑफ ग्रास में मदद करता है। और जो बाल होते हैं उन्हें विब्रिसी कहा जाता है। पैलेट, पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ माउथ। इसके दो पार्ट होते हैं, आगे की ओर हार्ड पैलेट, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड बाय पैलेटाइन और मैक्सिलरी बोन। याद रखिएगा जो हार्ड पैलेट होता है वो पैलेटाइन और मैक्सिलरी बोन से बना होता है। इट सेपरेट्स माउथ फ्रॉम नेजल कैविटी। जो माउथ कैविटी है उसको नेजल कैविटी से ये अलग करता है। और हार्ड पैलेट हैज़ नंबर ऑफ इररेगुलर ट्रांसवर्स रिजेस जिन्हें रूगी कहते हैं। यदि आप अपने अंगूठे को मुंह के अंदर ले जाके ऊपर की तरफ टच करें तो आपको कुछ दरारें सी फील होंगी, ये हार्ड पैलेट में होती हैं और इन्हें रूगी कहते हैं। हार्ड पैलेट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सकलिंग ऑफ मिल्क इन न्यूबॉर्न्स। हार्ड पैलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में और न्यूबॉर्न में दूध को, मिल्क को सक करने में। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो न्यूबॉर्न में एक क्लेफ्ट होती है, दरार होती है हार्ड पैलेट में, और जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। और यदि बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है तो बच्चे को दूध सक करने में, माँ के निप्पल से दूध को सक करने में बहुत दिक्कत होती है। सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पिछला हिस्सा होता है और ये आर्च शेप्ड होता है। अ मीडियन कॉनिकल प्रोसेस हैंग्स फ्रॉम इट, इट इज़ कॉल्ड युवला और वेलम पैलेटाई। याद रखिएगा जो हार्ड पैलेट है उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है जिसमें बोन नहीं होती, सिर्फ मसल्स होती हैं, और वो आर्च शेप होता है, और उसके पिछले हिस्से में एक कॉनिकल प्रोजेक्शन लटका होता है गले में। यदि आप मुंह खोल के देखें तो बिल्कुल सामने आपको एक कॉनिकल प्रोजेक्शन लटका हुआ दिखाई देगा, जिसे युवला और वेलम पैलेटाई कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट हेल्प्स इन स्वेलिंग ऑफ फूड, डिग्लुटिशन में मदद करता है और स्पीच में। टू मस्कुलर फोल्ड्स अराइज फ्रॉम युवला, युवला से दो मस्कुलर फोल्ड अराइज करते हैं, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। आगे वाला जो मस्कुलर फोल्ड है वो पैलेट से टंग तक जाता है
इसे पैलेटोग्लैसल आर्च कहते हैं, जबकि पिछला जो फोल्ड है वो पैलेट से फेरिंग्स तक जाता है, जिसे पैलेटोफेरेंजियल आर्च कहते हैं, और इन दोनों आर्चेस के बीच के स्पेस को फॉशियस कहते हैं। और इस स्पेस फॉशियस में आपको टॉन्सिल्स मिलते हैं, जिन्हें पैलेटाइन टॉन्सिल्स या सिंपली टॉन्सिल्स कहा जाता है। देखिए ये टंग है, ये ऊपर सॉफ्ट पैलेट है, और सॉफ्ट पैलेट एक कॉनिकल प्रोजेक्शन में लटका रहता है। यदि आप मुंह खोल के सीधे देखेंगे किसी का भी, तो सामने आपको एक कॉनिकल प्रोजेक्शन मिलेगा, जिसे हम युवला कहते हैं। युवला से दो मस्कुलर फोल्ड, दो मसल्स के फोल्ड निकलते हैं, जो एक तो आगे जाता है टंग में और दूसरा पिछला वाला जाता है फेरिंग्स तक। आगे वाले को कहते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्च, पिछले वाले को कहते हैं पैलेटोफेरेंजियल आर्च, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं फॉशियस, और इसमें टॉन्सिल्स लाई करते हैं, जिन्हें पैलेटाइन टॉन्सिल या सिंपली टॉन्सिल कहा जाता है। हमारी जो टंग है वो फ्लोर ऑफ माउथ से एक म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड से जुड़ी रहती है, जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। अभी हम आगे टंग में भी बात करेंगे। बक्कल कैविटी में दो मेन कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं, एक फ्लोर पर टंग और दांत, टीथ। टीथ का सिंगुलर फॉर्म होता है टूथ। तो अब हम टंग और टूथ को डिटेल में पढ़ते हैं। टंग को लिंगुला भी कहा जाता है, लिंगुआ भी कहा जाता है। ये लार्ज थिक मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लोर ऑफ माउथ बनाती है। इसका एंटीरियर टू थर्ड, जो टंग है हमारी जीभ, उसका एंटीरियर टू थर्ड, अगला दो तिहाई हिस्सा ओरल कैविटी में लाई करता है, जबकि पिछला एक तिहाई, पोस्टीरियर वन थर्ड हिस्सा, फेरिंग्स में होता है। इट इज़ मोस्ट डेवलप्ड इन मैमल्स। ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय इन्वर्टेड वी शेप्ड सल्कस, जिसे टर्मिनल सल्कस कहा जाता है। तो टंग का ओरल और फेरेंजियल पार्ट जो है वो एक इन्वर्टेड वी शेप सल्कस से डिवाइड रहता है, अलग होता है, जिसे टर्मिनल सल्कस कहते हैं। अ स्मॉल एंटीरियर पोर्शन इज फ्री टू मूव। जीभ ज़्यादातर जुड़ी रहती है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा अगला जीभ का फ्री होता है, जिसे हम मूव कर सकते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन एंड मैंडिबल। याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि जीभ का अगला हिस्सा फ्री है, बाकी जो जीभ है, टंग है, वो किस बोन से जुड़ी हुई है, तो हायोइड बोन एंड मैंडिबल। यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखाया है, ये फ्लोर ऑफ माउथ है, ये हमारा लोअर जॉ जिसे मैंडिबल कहते हैं, और नीचे गले में एक हड्डी होती है यू शेप की, जिसे हायोइड बोन कहते हैं। तो जो हमारी टंग है उसका अगला हिस्सा तो फ्री है, जिसे हम मूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जबकि बाकी हिस्सा मैंडिबल और हायोइड बोन से जुड़ा होता है। ये टंग है, टंग को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जो पार्ट फेरिंग्स में होता है उसे फेरेंजियल पार्ट, जो ओरल कैविटी में होता है उसे ओरल पार्ट कहते हैं। ओरल पार्ट एंटीरियर टू थर्ड बनाता है, जबकि फेरेंजियल पार्ट पोस्टीरियर वन थर्ड होता है, और इन्वर्टेड वी शेप की एक सल्कस इन दोनों पार्ट्स को अलग करती है, जिसे टर्मिनल सल्कस कहते हैं। और इस टर्मिनल सल्कस के जस्ट बिहाइंड, पीछे, एक ओपनिंग होती है, एक डिप्रेशन होता है, जिसे फोरामेन सीकम कहा जाता है। तो फ्री एंटीरियर सेगमेंट ऑफ टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय अ मीडियन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन इट्स अंडर सरफेस, इट इज़ कॉल्ड फ्रेनुलम लिंगुली। यदि हम जीभ को उठाएं, पलटें, तो जीभ के नीचे आपको एक मोटा सा म्यूकोसल बैंड मिलता है, जो जीभ को फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्ट करता है, इसको कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुई। टंग को यदि हम देखें तो इसकी पूरी की पूरी सतह हमें सरफेस जो है वो रफ दिखाई देती है, खुरदुरी दिखाई देती है, क्योंकि उस पर छोटे छोटे एलिवेशन उभार होते हैं, जिन्हें लिंगुअल पैपिला कहते हैं। तो सरफेस ऑफ टंग इज रफ ड्यू टू वैरायटी ऑफ स्मॉल एलिवेशन कॉल्ड लिंगुअल पैपिला। पोस्टीरियर वन थर्ड में ये पैपिला मोटे होते हैं, जिन्हें हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। तो पोस्टीरियर वन थर्ड में ये फेरेंजियल पार्ट में मोटे उभार होते हैं, जिन्हें हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, और ओरल पार्ट में बहुत सारी आपको लिंगुअल पैपिला मिलेंगी, जो मुख्यतः चार तरह की होती हैं। लिंगुअल पैपिला चार तरह की होती हैं, फिलिफॉर्म, फंजीफॉर्म, फॉलिएट एंड सरकमवेलेट। फिलिफॉर्म पैपिला
नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं, साइज़ में सबसे छोटी होती हैं और इनमें कोई टेस्ट बड नहीं होता। याद रखिएगा कि बाकी सभी में फंजीफॉर्म फोलिएट और सर्कमवेलेट पैपिला में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, लेकिन फिलीफॉर्म में कोई भी टेस्ट बड नहीं होती। तो फिलीफॉर्म मैक्सिमम नंबर में होती है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन टेस्ट बड नहीं होती। और सर्कमवेलेट सबसे कम नंबर में होती है, केवल 8 से 12, लेकिन ये लार्जेस्ट होती है, साइज़ में सबसे बड़ी होती हैं। तो फिलीफॉर्म पैपला आर स्मॉलेस्ट पैपला, दे आर मोस्ट न्यूमरस इन नंबर। ये कोनिकल निप्पल लाइक की शेप में होती हैं और इनमें टैक्टाइल या टच रिसेप्टर्स तो होते हैं लेकिन टेस्ट बड्स नहीं होती, और ये टंग की पूरी सरफेस पर फैली रहती हैं। फंजीफॉर्म पैपला राउंडेड होती हैं, मशरूम के आकार की होती हैं, नियर द मार्जिन, ये नियर द मार्जिन और टंग के टिप के पास ज़्यादा मिलती हैं, और इनका मैक्सिमम नंबर टिप के पास होता है, टंग की टिप के। और ईच फंजीफॉर्म पैपला हैज़ 5 टेस्ट बड्स। फंजीफॉर्म पैपला राउंडेड है, मशरूम के आकार की है, मार्जिन और टिप के पास इनका नंबर ज़्यादा होता है, और एक फंजीफॉर्म पैपला में लगभग 5 टेस्ट बड्स होती हैं। फॉलिएट पैपला, फॉलिएट से नाम से ही क्लियर है कि ये लीफ लाइक है, पत्ती की तरह, और नियर द बेस ऑफ टंग, टर्मिनल सल्कस के पास इनका नंबर होता है, ज़्यादा होता है। सर्कमवेलेट, ये लीस्ट नंबर में पाई जाती हैं, सबसे कम नंबर में, इनका नंबर 8 से 12 होता है। ईच हैज़ 100 टेस्ट बड्स। याद रखिएगा, सर्कमवेलेट पैपिला सबसे बड़ी हैं और इनमें टेस्ट बड्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, लगभग 100 टेस्ट बड्स होती हैं एक सर्कमवेलेट पैपिला में। ये सिलेंड्रिकल नोब लाइक होती हैं, लार्जेस्ट हैं साइज़ में, और ये टर्मिनल सल्कस से जस्ट आगे पाई जाती हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये एंटीरियर 2/3 पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट फेरेंजल पार्ट जो कि फेरिंग्स में होता है, एंटीरियर 2/3 पार्ट आपका ओरल पार्ट है जो कि ओरल कैविटी या बकल कैविटी में होता है। दोनों पार्ट को इन्वर्टेड वी शेप अलग करता है, जिसे टर्मिनल सल्कस कहते हैं। टर्मिनल सल्कस के जस्ट पीछे एक डिप्रेशन होता है जिसे फोरामेन सीकम कहते हैं। फेरेंजल पार्ट में लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, उनके एलिवेशन थोड़े बड़े होते हैं, जिन्हें हम टॉन्सल्स कहते हैं, फेरेंजल टॉन्सल्स कहते हैं, और इस पर आगे की ओर काफ़ी सारे एलिवेशन होते हैं, जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार की पैपिलाज होती हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवेलेट। फिलीफॉर्म सबसे छोटी होती हैं, इनमें कोई टेस्ट बड नहीं होती, और ये पूरी सरफेस पर पाई जाती हैं, ये टंग की पूरी सरफेस पर पाई जाती हैं, जबकि फंजीफॉर्म जो पैपिला है वो किनारों पर पाई जाती हैं। फॉलिएट टर्मिनल सल्कस के आगे की ओर किनारों पर मिलती हैं, जबकि सर्कमवेलेट पूरी टर्मिनल सल्कस के आगे की ओर मिलती हैं, और इनका नंबर सिर्फ 8 से 12 होता है। हमारी जो टंग है, जीभ है, वो 4 प्रकार के स्वादों को सेंस कर सकती है, इन्हें टेस्ट एरियाज कहते हैं, ये 4 होते हैं। जो टंग की टिप है वो स्वीट, मीठे के लिए, टिप से जस्ट पीछे सॉल्टी, नमकीन, किनारे जो होते हैं वो सोर, खट्टा, और टर्मिनल सल्कस के आगे का जो पार्ट है वो बिटर, कड़वे के लिए होता है। तो टिप पर होता है स्वीट, टिप के पीछे सॉल्टी, मार्जिन्स पर सोर, और टर्मिनल सल्कस के जस्ट आगे बिटर। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑल द लिंगुअल पैपिला हैव टेस्ट बड्स एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पैपिला, जिसमें टेस्ट बड नहीं होती। म्यूकोसा ऑफ टंग इज एंडोडर्मल, इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। लिंगुअल ग्लैंड्स हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। और टंग के काम क्या होते हैं, ये हेल्प करता है चूइंग में, चबाने में, स्वलोइंग ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ टीथ, इट हेल्प्स इन स्पीच, इट इज़ ऑर्गन ऑफ टेस्ट। और आदमी में तो नहीं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा डॉग्स को हाँफते हुए, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम भी करता है, यानी थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, लेकिन ह्यूमन में इसका काम थर्मो रेगुलेशन नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है टीथ, दांत। प्लूरल फॉर्म होती है टीथ और सिंगुलर फॉर्म होती है टूथ। साइक्लोस्टोम
टेडपोल प्लेटिपस हैज़ हॉर्नी टीथ विच आर ड्राइव फ्रॉम एपिडर्मिस, दैट इज एक्टोडर्मल टीथ पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम टेडपोल प्लेटिपस, जबकि ट्रू टीथ जैसे ह्यूमंस में पाए जाते हैं वो डर्मिस से ड्राइव्ड होते हैं यानी मीसोडर्मल होते हैं। यदि सारे के सारे दांत एक सी शेप और साइज के हैं तो इस कंडीशन को होमोडोंट या आइसोडोंट कंडीशन कहते हैं। इफ ऑल द टीथ आर सिमिलर देन कंडीशन इज कॉल्ड होमोडोंट और आइसोडोंट। यदि सारे के सारे दांत अलग अलग शेप और साइज के हैं तो इस कंडीशन को हेट्रोडोंट कहते हैं। यदि दांत जो हैं टीथ वो बॉनी सॉकेट में हैं, गड्ढे में हैं, तो इस कंडीशन को थीकोडोंट कहते हैं। इफ टीथ लाई इन एल्वियोलर रिज नॉट इन द सॉकेट, यानी सॉकेट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा छिछला गड्ढा है, तो इसे एक्रोडोंट कंडीशन कहते हैं। और यदि दांत या टीथ डायरेक्टली फ्यूज हैं जॉ बोन पर, जबड़े की हड्डी पर, लेकिन रिज में या गड्ढे में नहीं है, तो उसे हम प्लूरोडोंट कहते हैं। तो होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक से हैं, हेट्रोडोंट दांतों की अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग टाइप के दांत हैं, थीकोडोंट जो दांत हैं वो गड्ढे में सॉकेट में हैं, एक्रोडोंट दांत बहुत गहरे गड्ढे में तो नहीं है लेकिन बहुत ही शैलो ग्रूव में है, और प्लूरोडोंट कोई ग्रूव या सॉकेट नहीं है, डायरेक्टली बोन पर जुड़े हुए हैं। तो ये है थीकोडोंट, आप देख सकते हैं ये सॉकेट में है, एक्रोडोंट ग्रूव में है, बहुत ही शैलो ग्रूव है, लेकिन प्लूरोडोंट जो है वो डायरेक्ट बोन पर जुड़े हुए हैं, किसी सॉकेट या ग्रूव में नहीं है। नंबर टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिस्ट्री, और ह्यूमन टीथ लाई इन यू शेप्ड आर्च, हमारा जो डेंटल आर्च है वो कैसी शेप में है, हमारे दांत यू शेप में अरेंज होते हैं। ह्यूमन टीथ, हम ह्यूमन टीथ आदमी के दांतों की बात करें तो ये थीकोडोंट होते हैं क्योंकि सॉकेट में होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं क्योंकि लाइफ में दो बार आते हैं, और हेट्रोडोंट होते हैं क्योंकि सारे दांत एक से नहीं होते, चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। थीकोडोंट कंडीशन, आदमी के जो दांत हैं वो तीन तरह की कंडीशंस के होते हैं, कौन कौन से, थीकोडोंट हेट्रोडोंट एंड डायफायोडोंट। तो सबसे पहले थीकोडोंट, ईच टूथ लाइज इन अ बोनी सॉकेट जिसे एल्वियोलस कहते हैं, तो हमारे दांत बोनी सॉकेट में होते हैं, जॉ बोन अपर जॉ मैक्सिला से बनता है, लोअर जॉ मैंडिबल से बनता है, और इन दोनों ही बोन्स में सॉकेट्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलस कहते हैं, जिनमें टूथ लाई करते हैं, और इस कंडीशन को थीकोडोंट कंडीशन कहते हैं। गम्स को जिंजीवा कहते हैं मसूड़ों को, और दीज आर लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। टूथ इज फर्मली अटैच्ड इन सॉकेट बाय द हेल्प ऑफ पेरीडोंटल लिगामेंट, याद रखिएगा ये दांत है और ये बोन के अंदर जो है वो एक लिगामेंट से टाइटली अटैच्ड होता है सॉकेट में, जिसे पेरीडोंटल लिगामेंट कहते हैं, और पेरीडोंटल लिगामेंट मैस्टिकेशन के दौरान शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करते हैं। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट का मतलब है कि हमारी पूरी लाइफ में दांत दो बार आते हैं, इन ह्यूमंस टीथ इरप्ट्स ट्वाइस इन लाइफ, ऑल द टीथ कम्स ट्वाइस, सारे के सारे दांत लगभग दो बार आते हैं लेकिन मोलर्स सिर्फ एक ही बार आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द टीथ कम्स ट्वाइस एक्सेप्ट मोलर्स, और हमारे ह्यूमंस में दो तरह के दो बार दांत आते हैं यानी दो सेट्स में आते हैं, इस कंडीशन को डाइफायोडोंट कंडीशन कहते हैं। जो फर्स्ट सेट होता है उसे दूध के दांत मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या डेसीडुअस टीथ कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो छः महीने से दो साल तक उसके जो दांत होते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, मिल्क टीथ कहलाते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 6 से 8 साल की एज में आता है, तो ये दांत गिरने शुरू होते हैं और 12 साल की एज तक आते आते ये सारे दांत गिर जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं या डेसीडुअस टीथ कहते हैं, और फिर उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो याद रखिएगा कि परमानेंट टीथ हमारे 32 होते हैं जबकि मिल्क टीथ 20 होते हैं।
इफ टीथ ग्रो ओनली वंस इन लाइफ द कंडीशन इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट, जैसे स्लॉट और वेल्स में मिलती है। और यदि टीथ रेगुलरली गिरते रहें, उगते रहें, गिरते रहें, उगते रहें, तो फिर इस कंडीशन को हम पॉलीफायोडेंट कहते हैं। मोस्ट वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स, मैमल्स को छोड़कर बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में पॉलीफायोडोंट कंडीशन मिलती है। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब है हमारे जो दांत हैं सारे के सारे एक से नहीं होते, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग फंक्शन के होते हैं, तो इस कंडीशन को हेट्रोडोंट कहते हैं। ह्यूमन में चार टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। जो सबसे सामने वाले दांत हैं, सबसे सामने, उन्हें कहते हैं इंसीजर। उनके बगल में जिसमें एक नोक निकली होती है उसे कहते हैं कैनाइन। उसके पीछे दो दांत होते हैं जिन्हें कहते हैं प्री मोलर्स, और आखिरी तीन दांतों को कहते हैं मोलर्स। ये मैंने एक साइड का जॉ दिखाया है, वो भी आधा अपर जॉ दिखाया है। इतने ही दांत इधर लोअर जॉ में, इतने ही इधर अपर जॉ में, और इतने ही इधर लोअर जॉ में होंगे। तो ये जो हमने दिखाया है डायग्राम में, ये एक अपर जॉ दिखाया है लेफ्ट साइड का। तो हेट्रोडोंट कंडीशन में इंसीजर जो होते हैं वो बाइटिंग और कटिंग के लिए होते हैं, कैनाइन स्टीयरिंग मांस को फाड़ने के लिए होते हैं, प्री मोलर्स चूइंग और ग्राइंडिंग, और मोलर्स को ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूमन जो टीथ हैं उनके लिए आप क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन टीथ्स आर लाई इन सॉकेट, दैट इज वाई दीज आर थीकोडोंट। ह्यूमन टीथ इरप्ट्स ट्वाइस इन लाइफ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। एंड ह्यूमन टीथ आर ऑफ फोर टाइप्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। इंसाइजर्स, ये सामने के दांत होते हैं, कटिंग के काम आते हैं और बाइटिंग के काम आते हैं, और इनमें एक ही रूट होती है। तो दीज आर फ्रंट टीथ, एक जॉ में चार होते हैं टोटल, इनमें सिंगल रूट होती है, ये बाइटिंग और कटिंग के काम आते हैं। और याद रखिएगा, जो रैबिट होता है, रैबिट हर्बीवोर एनिमल है, यानी वो घास पत्ते खाता है, मांस नहीं खाता, इसलिए रैबिट में कैनाइंस नहीं पाए जाते। और कैनाइन नहीं पाए जाते तो वहाँ पे गैप होता है, और उस टूथलेस गैप को डायस्टमा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टमा कहते हैं। कैनाइन, वन इन ईच जॉ, ये जॉ में एक ही होता है, एक साइड के जॉ में, अपर में, और ये नुकीला होता है क्योंकि ये कार्निवोर्स में डेवलप होता है, और मांस को फाड़ने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग फ्लैश खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें कैनाइंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो वन इन ईच जॉ, शार्प पॉइंटेड, मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, यूज फॉर कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ फ्लैश, और इसमें भी सिंगल रूट होती है। प्री मोलर्स, प्री मोलर्स, टू प्री मोलर्स इन ईच जॉ, इनमें दो रूट्स होती हैं और दो रिजेज होती हैं। जो प्री मोलर्स होते हैं उनमें दो रूट होती हैं और दो रिजेज होती हैं, दो उभार होते हैं, इसलिए इन्हें बाइकस्पिड टीथ भी कहते हैं। तो प्री मोलर्स में टू प्री मोलर इन ईच जॉ, टू रिजेज और कस्प्स, जिसे बाइकस्पिड टूथ कहते हैं। फर्स्ट प्री मोलर में दो रूट होती हैं और बाकी प्री मोलर्स में एक रूट होती है, और इनका काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। मोलर्स, थ्री मोलर्स होते हैं ईच जॉ में, और इनमें चार से पांच कस्प्स होते हैं। अपर मोलर में तीन रूट होती हैं जबकि लोअर मोलर में दो रूट्स होती हैं। थर्ड मोलर जो सबसे आखिरी में निकलता है, थर्ड मोलर, तीसरा मोलर, उसे विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ कहते हैं, और मोलर्स का काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और विजडम टूथ हैज थ्री और फोर कस्प्स। विजडम टूथ वेस्टिजियल होता है आदमी में, वेस्टिजियल उसे कहते हैं, उन अंगों को कहते हैं जिनका हमारे पूर्वजों में तो उपयोग होता था लेकिन हमारे लिए वो बेकार हैं। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में लगभग 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कुछ के एग्जांपल्स हैं, पहला तो विजडम टूथ, उसके अलावा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आँख में पाई जाती है, हेयर्स, नेल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ पिन्ना, कॉकेक्स और निप्पल्स इन मेल। प्री मोलर और मोलर को चीक टीथ कहते हैं। प्री मोलर एंड मोलर को चीक टीथ कहते हैं। प्री मोलर और मोलर में
जो कस्प और ग्रूव्स होते हैं ये एलिवेशंस को कहते हैं कस्प, और जो गड्ढे हैं उन्हें कहते हैं ग्रूव। इसका होने की कंडीशन को कहा जाता है लोफोडोंट। लोफोडोंट कंडीशन का मतलब होता है कि प्री मोलर और मोलर में ग्रूव्स पाए जाते हैं और एलिवेशन यानी कस्प और ग्रूव्स पाए जाते हैं। मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। मिल्क टीथ स्टार्ट इरप्टिंग एट द एज ऑफ 6 मंथ, और 2 साल तक आते आते सभी मिल्क टीथ आ जाते हैं। तो 6 महीने से शुरू होते हैं मिल्क टीथ का निकलना और 2 साल तक ये पूरे हो जाते हैं, जबकि परमानेंट टीथ 6 साल से शुरू होते हैं और 18 से 25 साल तक ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट टीथ टू इरप्ट, जो सबसे पहले दांत निकलता है बच्चे में, वो होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि लगभग 6 से 8 महीने पे निकलता है। 12 मोलर जो होते हैं, 12 मोलर, वो पूरी लाइफ में एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते, और इसलिए हमारे मोलर्स मोनोफायोडोंट होते हैं। और विजडम टीथ यदि नहीं निकल पा रहा है, बन तो गया है लेकिन मसूड़ों से बाहर, गम से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोडोंशिया। हाइपोडोंशिया डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ये आपके 4, एक साइड का जॉ हाफ जॉ, ये राइट का हाफ जॉ, लेफ्ट का हाफ जॉ, इसी तरह से लोअर जॉ में राइट और लेफ्ट के। तो हम एक साइड के हाफ जॉ के नंबर लिखते हैं ऊपर नीचे के। तो इस तरीके से यदि हम किसी का डेंटल नंबर्स लिखें, दांतों का नंबर लिखें, तो उसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैन की बात करें तो मिल्क टीथ बच्चों में जो होता है वो होता है 21-20-21-20। 21 का मतलब है ये होता है इंसीजर, ये कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ICPM। तो 21-20-21-20 का मतलब है कि एक साइड में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर्स होते हैं ये। तो जब इस तरीके से है तो टोटल इतने ही दांत इधर होंगे, इतने ही नीचे होंगे इधर और इधर। तो इनको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। ये कितने हुए, 2 और 1 3 और 2 5, 5 नीचे 10 और 10 का दुगना, क्योंकि राइट साइड में भी इतने होंगे, तो टोटल नंबर होंगे 20। तो ये है मिल्क टीथ। इसी तरीके से जो हमारे परमानेंट टूथ हैं उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23-21-23। यानी ये जो मोलर्स हैं ये मिल्क टीथ में नहीं है, ये किस में आ गए, हमारे परमानेंट टीथ में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मोलर्स हैं वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं, जबकि बाकी सारे दांत लाइफ में 2 बार आते हैं। इसी तरीके से रैबिट का डेंटल फॉर्मूला होता है 20-33-20-33, टोटल दांत होते हैं 28। डॉग में 31-42-31-43, टोटल दांत 42। कैट में 31-31-31-21, टोटल 30। रैट में 1003/1003, टोटल 16। और पिग एंड हॉर्स, यदि हम मैमल्स की बात करें तो पिग एंड हॉर्स में 44 दांत होते हैं। ये मैमल्स में सबसे ज़्यादा नंबर है टीथ का। तो मैमल्स में सबसे ज़्यादा जो दांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पिग में और हॉर्स में, और इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 31-43-31-43। जबकि वैसे एनिमल जिसमें सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं वो होते हैं 50, ओपोसम में पाए जाते हैं, और ओपोसम एक मार्सुपियल एनिमल है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इसको देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। टूथ जो होता है दांत, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जो बाहर दिखाई देता है वो है क्राउन, मसूड़ों में जो होता है उसे कहते हैं नेक, और जो बोन के अंदर, जॉ बोन के अंदर सॉकेट में होता है उसे कहते हैं रूट। तो टूथ के दांत के 3 पार्ट होते हैं, जो दांत बोन के अंदर है जो पार्ट उसे कहते हैं रूट, गम के अंदर मसूड़े के अंदर जो है उसे कहते हैं नेक, और जो बाहर दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं क्राउन। क्राउन जो होता है वो डेंटीन का बना होता है, यानी दांत डेंटीन का बना होता है, और डेंटीन के ऊपर एक वाइट शाइनिंग कवरिंग होती है जिसे एनामल कहते हैं। दांत हमारा खोखला होता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं, और हमने अभी पढ़ा था कि जो रूट्स हैं ये पेरिडोंटल लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करते हैं। तो टीथ आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल टिश्यू ऑफ द बॉडी, याद रखिएगा, हमारे शरीर के सबसे हार्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल टिश्यू में आते हैं दांत। इनके 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट, क्राउन आउट ऑफ द गम, नेक इनसाइड द गम एंड रूट इनसाइड द बोनी सॉकेट।
टीथ इज मेड अप ऑफ येलोइश सब्सटेंस कॉल्ड डेंटीन। जो दांत हैं वो डेंटीन के बने होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो एनामल की होती है। हॉलो कैविटी इनसाइड द टीथ इज कॉल्ड पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में जो टिश्यू होता है उसे डेंटल पल्प कहते हैं। बहुत सारी ट्यूब्यूल्स या कैनालुकुली रन करती हैं पल्प कैविटी से सरफेस तक, जो कि डेंटीन की बनी होती हैं, और पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट। याद रखिएगा, पल्प कैविटी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं, और ओडोंटोब्लास्ट से ही डेंटीन सिक्रीट होता है। जबकि क्राउन और नेक के ऊपर एक शाइनिंग वाइट कवरिंग होती है जिसे एनामल कहते हैं, और एनामल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में सबसे पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है एनामल। केमिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एनामल इज सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट। याद रखिएगा, जो डेंटीन है वो ओडोंटोब्लास्ट से सिक्रीट होता है, जबकि एनामल अमीलोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। डेंटीन मीजोडर्मल होता है, एनामल एक्टोडर्मल होता है। इनसाइड द रूट डेंटीन इज कवर्ड बाय येलो बोन लाइक टिश्यू जिसे सीमेंटम कहते हैं, और सीमेंटम का निर्माण सीमेंटोब्लास्ट से होता है जो कि मीसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। ठीक, अब हम कुछ खास खास बात कर रहे हैं जो टीथ के ऊपर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। होमोडोंट, एक से दांत, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, टूथ वेल और डॉल्फिन्स। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट उन्हें कहते हैं जो रिजिज में होते हैं, जैसे शार्क और फ्रॉग। प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट रिजिज में नहीं होते, बोन पे डायरेक्ट जुड़े होते हैं, और ये जॉ के इनर साइड में होते हैं। ये पॉइंट याद रखने का है कि जो प्लूरोडोंट टीथ होते हैं वो जॉ के इनर साइड में जुड़े होते हैं, जैसे लेजर्ड्स और सेलेमेंडर। थीकोडोंट का मतलब है कि दांत सॉकेट में है, जैसे क्रोकोडाइल्स और मैमल्स। पॉलीफायोडोंट का मतलब है कि दांत बार बार आ जाते हैं, फिश और फ्रॉग। डायफायोडोंट का मतलब है कि लाइफ में दो बार आते हैं, जैसे मैमल्स, हम, ह्यूमन बॉडी। मोनोफायोडोंट का मतलब है कि लाइफ में दांत सिर्फ एक ही बार आते हैं, एग्जाम्पल प्लेटिपस, मार्सुपियल्स, मोल्स, टूथ वेल और साइरेनियंस। फर्स्ट परमानेंट टूथ जो अपियर होता है वो है फर्स्ट मोलर। लास्ट परमानेंट टूथ जो अपियर होता है वो है थर्ड मोलर, जिसे विजडम टूथ भी कहते हैं। टीथ ऑफ लोअर जॉ अपियर अर्लियर देन अपर जॉ। हमेशा याद रखिएगा कि लोअर जॉ में टीथ पहले आते हैं अपर जॉ की तुलना में, और फीमेल्स में भी मेल से पहले आते हैं। मैमल्स, मतलब मैमल्स की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं पिग और हॉर्स में, लेकिन वैसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किस में पाए जाते हैं, ओपोसम में, जो कि मार्सुपियल एनिमल है, इसमें 50 होते हैं, और ओपोसम का डेंटल फॉर्मूला होता है 51-34-41-43, 5134-4134। एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला होता है 1003/0003। याद रखिएगा, स्पाइनी आंटीटर, स्केली आंटीटर और सम वेल्स में टूथ नहीं होती, ये टूथलेस एनिमल है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछा गया है कि एलिफेंट में जो दांत बाहर दिखते हैं वो कौन से दांत होते हैं, उन्हें टस्क कहते हैं हाथी दांत को। तो एलिफेंट टस्क आर मॉडिफाइड इन सीजर्स, जबकि वॉलरस या सील में जो बाहर दांत दिखाई देते हैं वो मॉडिफाइड कैनाइंस होते हैं। तो एलिफेंट टस्क आर मॉडिफाइड इन सीजर्स, वॉलरस टीथ आर मॉडिफाइड कैनाइंस। रैबिट में कैनाइन नहीं होता, इसलिए इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में गैप होता है, और उस गैप को कहते हैं, टूथलेस गैप को कहते हैं डायस्टमा। डायस्टमा, पायरिया, यदि दांतों और मसूड़ों से पस आता है, बदबू आती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पायरिया, और ये गम्स के इंस्पेक्शन में मिलता है। और यदि दांतों से खून आता है ब्रश करने पर, तो इसे कहते हैं स्कर्वी, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। फाइबर्स रनिंग बिटवीन पेरीडोंटल मेम्ब्रेन टू रूट ऑफ टूथ अक्रॉस सीमेंटम, सीमेंटम से होते हुए पेरीडोंटल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो फाइबर्स रन करते हैं उन्हें शार्पीज लाइन कहते हैं। और फ्रॉग में जो टीथ होते हैं वो सिर्फ अपर जॉ में होते हैं, याद रखिएगा, मेंढक या फ्रॉग में सिर्फ अपर जॉ में कुछ टीथ होते हैं, लोअर जॉ में टीथ नहीं होते। और अपर जॉ के आखिरी में जो टीथ होते हैं उन्हें वोमराइन टूथ कहते हैं, और ये बक्कल कैविटी के रूट में होते हैं, और ये शिकार को मारने में हेल्प करते हैं। तो आज मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट वन को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे भी इसका वीडियो मैं जल्दी डालूँगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।